नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाऊंगी सोया चाप की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। जी हाँ, मसाला सोया चाप जो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाया है मैंने और बिल्कुल घर पर आसानी से बन जाता है। तो इसे एक बार आप खाएंगे तो आप पनीर खाना भूल जाएंगे, इतना सॉफ्ट और मक्खन की तरह बना है। तो चलिए रेसिपी मेरे साथ शुरू करते हैं। तो कुछ तैयारी पहले कर लेंगे, जैसे सोया चाप की स्टिक को निकाल करके और इसे काट लेंगे मनचाहा शेप में। तो मैं बड़े स्टिक से 4 काटूंगी और छोटे स्टिक से मैं 3 पीस काट लूंगी। आप शेप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो इस तरह से काट करके सोया चाप को हम साइड में रख लेंगे और मैंने यहाँ गुनगुने पानी में भिगो दिया 7 से 8 काजू को और इसे अच्छी तरह से फूल गए हैं और पानी डालकर मैं इसका बारीक पेस्ट बनाऊंगी। और मैंने लहसुन को छील लिया है 1 गांठ और लिया है मैंने यहाँ पे अदरक। इन दोनों को मिक्स करके मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ 4 मीडियम प्याज मैंने छील कर ले लिया है और 2 टमाटर, और इन्हें मैं चॉपर में बारीक इस तरह से काटूंगी। बारीक प्याज काटने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से काट करके मैंने रख लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और बना लिया यहाँ पे काजू का पेस्ट भी। तो चलिए अब फ्राई करते हैं अपने सोया चाप को। तो मैंने तेल को गर्म करके फिर मैंने आँच को धीमी कर दिया है और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेज आँच पे नहीं डालेंगे वरना ये जल जाते हैं। तो इस तरह लो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें धीमी धीमी आँच पर तलेंगे ताकि इसकी लेयर खुले और इस तरह से सोया चाप हमारे फ्राई होंगे। फिर तेज आँच करके इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हमारे सोया चाप हो चुके हैं और इसे मैं निकाल करके एक प्लेट में अलग रख लूँगी कुछ इस तरह से। और एक कटोरी दही को हम इस तरह फेटेंगे। दही को जब भी आप डालें सब्जी में तो फेट करके ही डालें। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके हम अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गाँठे ना हो, और डाल देंगे सोया चाप को और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके साइड में हम रखेंगे ढक करके। और तब तक हम अपने तेल को गर्म कर लिए हैं। यहाँ पे तेल में मैंने डाला है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री और तेजपत्ता। और इसके बाद मैंने बारीक कटे प्याज को डालकर इसमें भुना है। तेल में जब भी हम खड़े मसाले डालते हैं तो तेल में मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से आ जाता है। तो जब भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं तो अगर खड़े मसाले तेल में चटका लेंगे तो उसका स्वाद बदल ही जाता है। तो इस तरह से प्याज हमारे भुन गए हैं और इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम भुनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है और ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके। इसमें हम डालेंगे हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर स्वाद के अनुसार और इन मसालों में थोड़ा सा पानी डाल करके मैं भूनूंगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच किचन किंग मसाला। आप कोई भी मसाला सब्जी जो आपके पास अवेलेबल हो डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालकर मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। और इस तरह से भूनेंगे अच्छी तरह से टमाटरों को और डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टमाटर कुक हो जाते हैं और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाते हैं, जिस तरह से तेल अलग हो जाता है। देखिए हमारे तेल अलग हो गए हैं और मसाले भुन चुके हैं। और इसमें मैरिनेट किए हुए सोया चाप को हम डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे मैरिनेशन को धुल करके पानी और इसे लगातार चलाएंगे और चलाते हुए इसे भूनेंगे जब तक कि दही पक ना जाए, क्योंकि दही है तो इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे दही के साथ सोया चाप भुन चुके हैं। और इस समय हम जब तेल इस तरह अलग हो जाए तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें डालेंगे हम काजू और काजू को भी डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और काजू और कसूरी मेथी जब तक न भुन जाए तब तक इसे हम स्लो फ्लेम पर चला करके भूनते ही रहेंगे। और अभी दिखाती हूँ आपको कि इस तरह से तेल अलग हो गया, काजू हमारे भुन चुके हैं और इस समय डाल देंगे हम ग्रेवी के लिए पानी। इसमें मैंने गुनगुना पानी डाला है, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और ढक करके इसे हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के बाद। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हुए हैं। और इसमें हरी मिर्च डालेंगे स्लिट की हुई और इसमें डाल देंगे 1 क्यूब बटर और इसे हम चलाएंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर ले आते हैं हरी मिर्च और बटर 2 से 3 मिनट ढकने के बाद। मैं आपको ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ। इस तरह से रोगन आ गया है और बहुत ही अच्छी तरह शाइन कर रहा है और ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। मैंने इसमें बिल्कुल भी फूड कलर नहीं डाला है क्योंकि मैं कभी भी खाने बनाती हूँ तो उसमें फूड कलर नहीं डालती। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है जो मेरी सब्जी का आया है, आप देख सकते हैं कैमरे में। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत खुशबूदार सब्जी बनी है और इस तरह से आप ज़रूर बनाइए सब्जी, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और इसे नमक टेस्ट करेंगे हम। और ये देखिए चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं और गैस की फ्लेम बंद करते हैं।
तो ये देखिए सब्जी को मैं सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिश लेकर आती रहूँगी। और मेरे डिश को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।